हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लेट्स स्टार्ट द पैटर्न ऑफ डिफेंस ओपनिंग ट्रैप। चेस ओपनिंग और ओपनिंग ट्रैप्स दोनों डिफरेंट है दोस्तों। ट्रैप्स में कोई ना कोई गलत मूव होती है ब्लैक या वाइट की ओर से, तभी वो ट्रैप में फंसते हैं। परफेक्ट ओपनिंग दोनों की ओर से परफेक्ट मूव खेली जाती है, उसे कहते हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग ट्रैप्स पैटर्न ऑफ डिफेंस की दिखा रहा हूँ मैं अभी। e4, e5, नाइट f3 और नाइट f6, ये दोनों मूव पैटर्न ऑफ डिफेंस की है। यहाँ पे मेन मूव है नाइट इंटू e5। ब्लैक नाइट c6 करता है या d6 करता है, यहाँ पे नाइट c6 के सामने रिप्लाई होगा नाइट टेक c6, डी टेक c6, व्हाइट पॉन को सपोर्ट करेगा d3 से। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप c5 और यहाँ पे बिशप g5। ये एक गलत मूव है क्योंकि आफ्टर नाइट टेक्स e4 सैक्रिफाइस बिशप टेक्स क्वीन और यहां पे चेकमेट। मेट इन टू मूव्स, बिशप f2 किंग और बिशप g4, दिस इज अ चेकमेट। तो ये थी पहली ट्रैप। लास्ट वीडियो में हम पैटर्न ऑफ डिफेंस की बहुत सारी ट्रैप्स मैंने दिखाई है, आज और भी ट्रैप्स आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरी ट्रैप। e4, e5, nf3, nf6, knight takes e5, nc6, knight cross c6, d cross c6, e5। अब ये मूव व्हाइट की ओर से नहीं चेंजिंग। e5 के बाद ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट e4, d3, बिशप c5, सरप्राइज मूव है। डी इंटू e4 ये ब्लंडर मूव होगी, ब्लैक ने सैक्रिफाइस लिया है। बिशप f2 चेक, आफ्टर किंग टेक्स बिशप सिंपल व्हाइट क्वीन लॉस हो जाएगा, और अगर किंग टेक्स किंग a2 किया तो स्क्यूअर बिशप g4 और फोर्सफुली व्हाइट की क्वीन यहाँ पे लॉस हो रही है। बहुत ही शॉर्ट ट्रैप है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी ट्रैप में फंस जाते हैं, आप फंसा भी सकते हो। चलिए नया वेरिएशन देखते हैं। e4, e5, knight f3, nf6, knight cross e5, d6, ये मेन मूव है दोस्तों। पैटरॉक के ब्लैक से खेलने वाले प्लेयर को ये ध्यान रखना है, नाइट f3, उसके बाद नाइट टेक्स e4 पॉसिबल है। यहाँ पे वाइट खेलेगा d4, बिशप g4, पिनिंग h3, बिशप h5, क्वीन d3, पिनिंग में से अनपिन और इस नाइट पे अटैक। क्वीन e7, क्वीन से सपोर्ट, qb5 प्लस डबल अटैक ऑन बिशप और चेक। ब्लैक रिप्लाई देता है c6, क्वीन टेक्स बिशप। ये ब्लंडर मूव क्योंकि डिस्कवर चेक में नाइट f6 और क्वीन डिस्कवर चेक और व्हाइट की क्वीन यहाँ पे लॉस हो। ओके, लेट्स न्यू स्टार्ट। e4, e5, नाइट f3, नाइट f6, बिशप c4। यहाँ पे वाइट बिशप c4 खेल रहा है इस गेम में। नाइट इंटू e4, वाइट रिप्लाई देता है नाइट c3, आफ्टर नाइट टेक c3, डी इंटू c3। आप देख सकते हो कि व्हाइट का बिशप और नाइट डेवलप हो चुका है, ब्लैक का कोई भी पीसेस डेवलप नहीं है और e5 पॉन पे भी प्रेशर है। ब्लैक सपोर्ट करता है d6 से और यहाँ पे कैसलिंग। अब व्हाइट की फाइनल मूव हो गई है कैसल और दोनों माइनर पीस डेवलप, क्वीन और बिशप सारे पीसेस एक्शन में है। कैसल के बाद बिशप g4, ये यहाँ पे फिर से ब्लंडर। bg4 में नाइट क्रॉस e5, सेम वही टेक्निक जो ब्लैक यूज कर रहा था यहाँ पे। आफ्टर बिशप टेक्स, बिशप f7 चेक, किंग e7, देन बिशप g4 चेकमेट। जैसे चेकमेट व्हाइट की हो रही थी, ऐसे ही चेकमेट पैटर्न ऑफ डिफेंस में ब्लैक की भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, लास्ट ट्रैप है पैटर्न ऑफ डिफेंस में। अगले वीडियो में मैं आपको 3 नाइट्स गेम की ट्रैप्स दिखाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों।
e4, e5, नाइट f3, नाइट f6, d4, अब ये सेंटर गेम है, इनटू d4, e5, अब नाइट d5 ये बेस्ट चॉइस होता है, और यहाँ पे ब्लैक नाइट e4 खेलता है, तो यहाँ पे क्वीन टेक्स d4, नाइट पे अटैक, d5 सपोर्ट, इनटू d6 एंड पासन, और नाइट टेक्स d6 ये फोर्स मूव है। बिशप d3 व्हाइट रिप्लाई देगा, यहाँ पे क्वीन e7 चेक, बिशप e3 चेक से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट f5, बिशप क्रॉस f5, बिशप टेक्स f5, और यहाँ पे नाइट c3, बिशप इंटू c2 ये गलत है, क्योंकि आफ्टर रुक c1 ब्लैक को फोर्सफुली बिशप f5 जाना पड़ेगा, और नाइट d5 से फॉर क्वीन पे अटैक, नाइट c7 की थ्रेट है, और यहाँ पे सिंपल वाइट फॉर देखे एक्सचेंज अप हो जाएगा। ये थी पेट्रोव डिफेंस की सारी ट्रैप्स जो लास्ट वीडियो और आज के वीडियो में देख सकते हो आप। कंप्लीटली पेट्रोव डिफेंस की सभी मूव्स आपको मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्री नाइट्स गेम की ट्रैप्स। थ्री नाइट्स गेम में 1, 2, 3 है, उसके बाद 4 नाइट्स गेम, मतलब 3 नाइट्स और 4 नाइट्स दोनों एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।